अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक खुश व खुर्रम शादाबाद हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, इसको कहते हैं रेड चोरी बीन्स और लाल मसूर की दाल भी आप कह सकते हैं। तो इसको मैंने एक कप लिया है, ओवरनाइट मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। और इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक अदद बारीक स्लाइस किया हुआ मेरे पास प्याज है, दो दरमियाने टमाटर हैं, लहसुन अदरक 1-1 टीस्पून है, दो हरी मिर्चियाँ मैंने कट करके ली हैं, और ड्राई मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून मेरे पास रेड चिली का पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, और यहाँ मेरे पास है कसूरी मेथी 1 टीस्पून। तो आप नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो यहाँ मैंने जो है 1/2 कप जितना ऑयल डाल लिया है। तो सबसे पहले हम अपने प्याज डाल के लाइट गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं प्याज मैंने शामिल कर लिया है, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं प्याज हो गया है लाइट गोल्डन ब्राउन। तो बस इसमें हम शामिल कर देंगे अपने टमाटर और तमाम लहसुन अदरक हरी मिर्चों को, और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी तमाम ड्राई मसाले, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा भूनते हैं। और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले जले भी ना और अच्छे से भून जाए। तो वो मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप देख सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून जितना मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको भुनाई करते हैं मसाले की, फिर आपसे को आगे दिखा। देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छा सा भून गया है, ऑयल हो चुका है सेपरेट। तो अब जो है हम अपने ये जो बीन्स हैं इनको हम शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी 5 कप जितना पानी, 1 कप दाल में मैं 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप जो है अपनी प्रेशर कुकर के हिसाब से ऐड कर लें। तो मैं 5 कप पानी इसमें डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अच्छा सा मिक्स कर लिया है, अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी, और इसको अब मैं 15 मिनट की लगाऊंगी स्टीम। और आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको स्टीम लगा सकते हैं। तो 15 मिनट की इसको स्टीम देने के बाद फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार लाल मूँग की दाल बन के तैयार है। तो इसको जो है अभी मैं डिश आउट करती हूँ, और डिश आउट करके आप लोगों के साथ इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है दाल बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो मैंने इसको चावलों के साथ सर्व करना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा रसमी सा रखा है। और अगर आप चाहें तो अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें पानी ऐड करके ग्रेवी को अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।